नमस्कार दर्शकों, तिरंदाज हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि वर्मा। आज हम जानेंगे 16 अगस्त को इतिहास में क्या हुआ था खास। आज से ठीक 4 वर्ष पहले आज ही के दिन यानी 16 अगस्त 2018 को राजनीतिक गलियारों में विश्व पितामह के नाम से मशहूर अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था। आइए जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी खास बातें। अटल बिहारी वाजपेयी भारत में 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे। एक बार तो उनकी सरकार केवल 16 दिन की ही रही और मात्र 1 वोट के कारण उनकी सरकार गिर गई। हालांकि दोबारा चुनाव होने पर वह 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और अपना 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा किया। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें विश्व पितामह भी कहा जाता है। इनकी सरकार ने पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इन्हीं की सरकार में पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इसके उद्घाटन में प्रथम यात्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भारत को लेकर मेरी एक ही दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख भय निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो, या एक वाक्य देश को लेकर उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में वाजपेयी का निधन हो गया। तीरंदाज इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ऐसे ही आपके काम की, ज्ञान की और रोचक खबरों के लिए तीरंदाज.com से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल तीरंदाज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज तीरंदाज को फॉलो कीजिए। इन सभी के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।